अहंकार है, तो अहंकार तो महाराजा कंस को भी था। कोई भी खिलाफ बोलेगा सर कलम करा देंगे। ये लोग खुद ही गजल लिखते हैं और खुद ही घुंघरू बांध करके मुजरा करते हैं। लेकिन गाजीपुर और आजमगढ़ में जहां सबसे ज्यादा बुलडोजर चला था, शून्य है आजमगढ़ में, शून्य है गाजीपुर में। आजमगढ़ के लोगों ने योगी जी को उनके इस वक्तव्य के लिए पुरस्कार दिया। विधानसभा चुनाव में प्रदेश में उनकी सरकार बनी, लेकिन गाजीपुर और आजमगढ़ में जहां सबसे ज्यादा बुलडोजर चला था, शून्य है आजमगढ़ में, शून्य है गाजीपुर में। अहंकार है, तो अहंकार तो महाराजा कंस को भी था। कोई भी खिलाफ बोलेगा सर कलम करा देंगे, उसको जेल में डाल देंगे। महाराजा उग्रसेन जो उनके पिताश्री थे, उनको भी जेल में डाल दिया। तो ये लोग तो बस हमारे विरोध में है तो उसको मिटा दो। लल्लू सिंह जो सिटिंग एमपी हैं मौजूदा और फिर चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या उन्होंने ये नहीं कहा है कि जिस दिन दो तिहाई बहुमत हमें मिल जाएगी हम इस संविधान को हटा देंगे? क्या वो बीजेपी के लीडर नहीं है? अरे संविधान हटाने का मतलब कि हम अपना संविधान बनाएंगे, हम गुजरात में बैठेंगे और वहीं से नॉमिनेट कर देंगे बलिया का एमपी कौन, गाजीपुर का एमपी कौन। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे कि अब क्या कहा जाए। ये लोग खुद ही गजल लिखते हैं और खुद ही घुंघरू बांध करके मुजरा करते हैं, खुद अपने ही तय कर देते हैं कि आपदा को अवसर बना लो। और आपदा को अवसर कोरोना महामारी के दौरान देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं। इस तारीख को इतने बजे अपने अपने छत पे चढ़ करके और थाली बजाओ, ताली बजाओ। तो ये तो खुद ही अपनी सोच है, उसके लिए अपनी अंदर की जो घबराहट है, तो वो जो कुछ भी कहे। पूरे देश का नागरिक जो समझना नहीं चाहता वो अलग बात है, जो समझना चाहता है वो समझ चुका है कि ये लोग देश को संभाल नहीं सके, देश को गर्त में पहुंचा दिए। न इनके कंट्रोल में महंगाई है, न ये बेरोजगारी की समस्या का कोई समाधान कर सकते हैं। और जो लूट मची हुई है देश में, चोरी, बेईमानी, घुसखोरी, इतने बड़े पैमाने पे कमीशन खोरी कि अब उसकी वजह से तो जनता निराश हो चुकी है। कोई इन लोगों पे अब विश्वास रहा है नहीं, कुछ भी कह डाले। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि साइकिल चुनाव चिन्ह है मेरा, गाजीपुर 75 लोकसभा सीट से मैं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हूं, इंडिया गठबंधन का मेरा मुझे समर्थन है और जनता झूम करके इस चुनाव में साइकिल वाला बटन दबा करके और शानदार जीत, एक नजीर बनाने वाली जीत गाजीपुर में दिलाएगी। मैं आज बता रहा हूं ज्योतिष शास्त्र नहीं, जमीनी हकीकत। भदोही में बीजेपी हार जाएगी, जौनपुर में बीजेपी हार जाएगी, लालगंज आजमगढ़ दोनों हार जाएगी, घोसी में बीजेपी हार जाएगी, बलिया में बीजेपी को हारना है, चंदौली में बीजेपी को हारना है और जो रॉबर्ट्सगंज वाली सीट है वो भी बीजेपी हार गई है। ये सारी सीटें हार गई गाजीपुर में रिकॉर्ड बनाने वाली